साल 2024 के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा अभी से राज्य के चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को झारखंड का सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। इस दौरान हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रेस से बात करते हुए ये कहा, देखिए बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। किसलिए? मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है, इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूँ। ऐसा ही दावा उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया। देखते ही देखते हिंदुस्तान टाइम्स, रिपब्लिक भारत, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, द इकोनॉमिक टाइम्स और जी न्यूज जैसे मीडिया आउटलेट्स ने इस दावे को पब्लिश भी कर दिया। इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने तफ्तीश शुरू की। हमने भारत सरकार की वेबसाइट सेंसस इंडिया चेक की, इसमें साल 1961 का धार्मिक सेंसस रिपोर्ट दिया गया है। साल 1951 में असम में मुस्लिम आबादी का हिस्सा कुल आबादी का 22.6% था, जो कि 1961 में बढ़कर कुल आबादी का 23.29% हो गया था। यहाँ इतना तो साफ हो गया है कि हिमंत बिस्वा सरमा का ये दावा कि 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% थी, गलत साबित होता है। और ये डेटा खुद भारत सरकार की वेबसाइट पर है, यानी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े और असम के मुख्यमंत्री का सार्वजनिक मंच से इस तरह का तथ्यहीन दावा करना जनता को गुमराह करने जैसा है। अगर आप ऑल्ट न्यूज को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि हिमंत बिस्वा सरमा अक्सर सोशल मीडिया पर या फिर जनता को संबोधित करते हुए झूठे और सांप्रदायिक भ्रामक दावे किया करते हैं।